बुद्ध का मध्य मार्ग आखिर क्या है? बुद्ध के सारे उपदेश एक छोटे से शब्द में समाये हुए हैं, मज्जिम पटिपदा, यानी कि मध्य मार्ग, द मिडल वे। यह शब्द से बुद्ध ने इस जगत में क्रांति ला दी और 2500 साल के बाद भी वही क्रांति आज भी तेजी से फैल रही है। मनुष्य का मन अतियों में डोलता रहता है, कोई धन के पीछे पागल है तो कोई नाम पद और प्रतिष्ठा के पीछे। एक दिन वह इस दौड़ से थक जाते हैं, मन भर जाता है, फिर वह इसके विपरीत चलने लगते हैं, फिर वह धन से पद से सभी चीज़ों से छुटकारा पाने की दौड़ में लग जाते हैं। पहले शादी करने के लिए भाग रहे थे, बाद में बीवी बच्चों से दूर रहने के लिए, परिवार की जिम्मेदारियां दूर करने के लिए भाग रहे हैं, कठिन से कठिन व्रत उपवास करके खुद को कष्ट देते हैं, फिर रात में खाना ठूस ठूस कर खाते हैं। पहले संसार को खूब भोग लिया, फिर आनंद नहीं मिला तो एकदम से सब कुछ छोड़ दिया और त्यागी हो गए, फिर निर्वाण के पीछे भागने लगे, लेकिन भागना शुरू रहता है, कुछ पा लेने की इच्छा शुरू रहती है। निर्वाण का अर्थ यही है कि जब इच्छा छूट जाती है, निर्वाण या मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती, तभी वह घटना घटती है, तभी व्यक्ति मन से ऊपर उठता है और बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। लेकिन हम तो संसार की इच्छा छोड़ते हैं तो मोक्ष की इच्छा को पकड़ लेते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मध्य में रहो, दोनों अतियों से बचो, मध्य में ही मार्ग है। न भोगी बनो न त्यागी, न संसार न मोक्ष, न आलसी बनो न हार तोड़ मेहनत करो, मध्य में रहो और साक्षी भाव को जगाकर सजग और जागरूक बनकर सब कुछ देखो कि क्या करना योग्य है। यह मध्य में रहने की कला का नाम ही मध्य मार्ग है। अति का होना मन का खेल है। पहले बहुत धन कमाना, काम भोग में पड़े रहना, फिर भोगते भोगते मन उब जाता है, फिर मन कहता है यह सब तो मोह माया है, छोड़ो, फिर मन में झूठा वैराग्य, झूठा संन्यास पैदा होता है। थोड़े दिन यह संन्यास रहता है, फिर मन इससे भी उब जाता है और फिर से काम भोग की ओर चल पड़ता है। यह दोनों अतिया, बहुत कुछ पा लेना, बहुत सारा भोग लेना, या सब कुछ छोड़ देना, त्यागी बन जाना, यह मन का ही खेल है। जब मन उब जाता है एक ही काम करते करते, तो वह दोनों अतियों के बीच भागता रहता है और हम ऐसे ही पूरा जीवन जी लेते हैं और मृत्यु की घड़ी आ जाती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अति से बचो, अति चाहे भोग की हो या त्याग की, जीवन की हो या मृत्यु की, संसार की हो या निर्वाण पाने की, अति हमेशा पतन की ओर ले जाती है। इन अतियों से मुक्त होना ही मन से मुक्त होना है, इन अतियों से मुक्त होकर जीना ही मध्य मार्ग है। संसार में ना तो किसी व्यक्ति या चीज़ को यह कहना कि इसके बिना मैं जी नहीं सकूँगा, और ना ही यह कहना कि इसके साथ में जी नहीं सकूँगा। इस प्रकार संसार में गौतम बुद्ध ने पहली बार मनोविज्ञान का प्रमुख नियम दिया, मन के स्वरूप और स्वभाव के बारे में समझाया, मन कैसे हमें भगाता रहता है वह समझाया, जो मन के द्वारा निर्मित अति से मुक्त है वही दुख से मुक्त हो सकता है। वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला न रखो कि वीणा में से सुर भी न निकले। जीवन रूपी वीणा के तार को मध्यम खींचे हुए मध्यम ढीले रखो, जिससे सुंदर सुर उत्पन्न हो पाए। यही मध्य मार्ग है, यही निर्वाण का मार्ग है।